मेडिसिन जो खाए हैं उसमें क्या देख रहे हैं बताइए। जी, जो इससे पहले आपने मेडिसिन दी थी ना पी पर्ल्स, वो मेडिसिन बहुत अच्छी है जी, वही मेडिसिन भेजना, उससे बहुत फर्क पड़ा है। कौन सा मेडिसिन, क्या मेडिसिन की बात कर रहे हैं, बोलिए फिर से बोलिए। PRLS पर्ल्स मेडिसिन जो आपने भेजी थी इससे पहले महीने में। वो मेडिसिन बहुत अच्छी है जी, उससे बहुत फर्क पड़ा है जी। उसके साथ आपको स्टेमिसेग्रा भी दिया गया था, स्टेमिसेग्रा 10 mg/15 mg भी दिया गया था। उसके बाद जो दी थी ना वो मैंने ली तो उससे कुछ खास फर्क नहीं लगा, तो वो जो बची हुई थी ना पर्ल्स तो मैंने वही कंटिन्यू की, फिर उससे बहुत फर्क पड़ा जी पर्ल्स से। ठीक है, तो आपके रिएक्शन में आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। रिएक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ, टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। लिबिडो में इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हुआ जी। ठीक, ओके, ठीक है। वो स्टाफिसिगेरिया और ये पर्ल्स दवाई भेज देना जी। स्टाफिसिगेरिया, ठीक है, और पेल एड्रेस भेज देते हैं। ठीक है, हाँ, अगर मेडिसिन भेज रहे हैं आपको, आप एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, समय की पाबंदी होने के बावजूद भी, पेशेंट के इतना लोड होने के बावजूद भी मैं आप लोगों का समक्ष वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि सर वीडियो बनाइए, केस वीडियो लेके आइए, केस वीडियो दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जूनियर होम्योपैथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। तो अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है और लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, और इस पेशेंट को आज से 2 महीना पहले मैं स्टाफिसेग्रा प्रिस्क्रिप्शन किया था, स्टाफिसेग्रा 10 mg/15 mg दिया था, साथ में PLRS 0/1 0/2, और इससे हुआ ये कि पेशेंट का प्रॉब्लम हम लोग मान के चल सकते हैं कि 80-90% तक ठीक हो गया, पूरी तरह क्योर हो गया प्रॉब्लम, और एक दो बार मेडिसिन जाएगा पेशेंट का प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से साफ हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेशेंट का मैं टोटलिटी के बेस पे मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, मैं रोगी का रोग के नाम पे ट्रीटमेंट नहीं किया था, पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था। जो पेशेंट मेरे पास आया हुआ था उस पेशेंट का मैं टोटलिटी के बेस पे सभी सिम्टम्स एक साथ एकुमुलेट करके मैं सिंगल मेडिसिन दिया था, तो स्टाफिसेग्रिया से पूरी तरह प्रॉब्लम जड़ से क्लियर हो गया। क्या क्या सिम्टम्स था मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा सुन लीजिएगा। सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेशेंट का लाइफ में बेसिकली सप्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, मेंटल फीलिंग्स का बहुत ज्यादा सप्रेशन हुआ है। पेशेंट का लाइफ में से बहुत सारा घटना घटा है जहां से पेशेंट को सप्रेशन करना पड़ा, अपने आप को पीछे लेके आना पड़ा, दबाना पड़ा सिम्टम्स। तो ये एक मेन इश्यू है जो मैंने देखा पेशेंट के अंदर, सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, साथ ही साथ रिजर्व डिस्प्लेजर, यानी पेशेंट को बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ देखना पड़ा अपना आंख के सामने से। तो ये एक बड़ा पिकुलर सिम्टम सेप्सिग्रिया का। साथ ही साथ एग्रावेशन आफ्टर क्वाइशन, यानी सेक्स के बाद प्रॉब्लम का बढ़ जाना, ये एक मेन सिम्टम होता है सेप्सिग्रिया का। तो सेप्सिग्रिया यहां भी इंडिकेट कर रहा था पेशेंट के लिए। फोर्थ सिम्टम की अगर बात करें तो पेशेंट का मन में सेक्स के प्रति विचार तो आता है लेकिन फीलिंग्स नहीं आता है, यानी जब भी वो अपना पार्टनर को टच करता है, जब भी वो स्टिमुलेट करने का प्रयास करता है अपने आप को, तो वो स्टिमुलेट नहीं हो पाता, यानी वो फीलिंग्स नहीं आ पाता है। जो एक पार्टनर को एम्ब्रेस करने पर या टच करने पर, हग करने पर जो एक फीलिंग आना चाहिए, वो फीलिंग इनको नहीं आ पाता है। डिजायर थोड़ी बहुत फिर भी है लेकिन फीलिंग्स नहीं आ पाता है। तो फीलिंग्स के लिए स्टाफिसेग्रिया एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसके अलावा पेशेंट के सामने आसपास अगर कोई धूम्रपान करता है, कोई अगर स्मोकिंग करता है, तो वो उसका गंध को ले नहीं पाते, उससे उसको प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा आंख में बहुत बार स्टाइस हो चुका है, ये एक और एक सिम्टम है। और साथ ही साथ इरिटेबल टेम्परामेंट है, यानी एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि हमेशा पेशेंट जो है गुस्से में ही रहता है, उसको अगर अच्छा बात भी बोलो तो गुस्से में ही आपको रिप्लाई करेगा। तो काइंड ऑफ इरिटेबल टेम्परामेंट पाया जाता है स्टाफिसेग्रिया के अंदर। तो इन सभी सिम्टम्स को एक साथ एकुमुलेट करके मैं पेशेंट को स्टाफिसेग्रिया प्रिस्क्रिप्शन किया था 10 mg/15 mg फॉलोड बाय PLRS 0/1 0/2। इससे हुआ ये कि पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम पूरी तरह क्योर हो चुका है, एकदम हम लोग बोल सकते हैं कि 80-90% प्रॉब्लम क्योर हो चुका है, और एक दो बार मेडिसिन जाने से पेशेंट का पूरी तरह क्योर हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो पे एंड करता हूं। अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल है मन में तो सवाल करिए, मैं आपको रिप्लाई वहां पे दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।